द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ ग्रामर. तभी मैंने कहा कि ग्रामर खत्म यहाँ पे होती है थर्ड फॉर्म पे, कि शुरू की बिल्कुल सिंपल. अभी तक हमने सब कुछ समझ आया. हमें बी का फर्स्ट यूज हमने किया था जब वर्ब नहीं हो, नो वर्ब. फिर सेकेंड यूज किया था आई एन जी कॉन्टिन्यूस, बी का एक थर्ड और आखिरी यूज थर्ड फॉर्म. इसके अलावा बी कभी भी किसी के साथ नहीं होता. देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी लिखा कि बी सेकेंड फॉर्म के साथ हो सकता है, तो यानी कि हम मतलब कभी नहीं हो सकता. यानी अगर आप गलती से लिखते हो आई वॉज अंडरवेंट या द पेशेंट वॉज अंडरवेंट सर्जरी, इससे बड़ी गलती दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वॉज कभी सेकेंड फॉर्म के साथ हो ही नहीं सकता. इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. यानी बी के साथ, बी के सिर्फ तीन, बी का मतलब इज एम आर बी, वॉज वर बी, बीन बी. यानी इज एम आर वॉज वर या तो तभी यूज होते हैं जब वर्ब ना हो, जैसे आई एम ब्यूटिफुल, या फिर यूज होते हैं जब आई एन जी, आई एम गोइंग. लेकिन कभी भी, कभी भी, कभी भी सेकेंड और फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी नहीं हो सकते. यानी आई कैन बी हेल्प यू, आई कैन बी सी यू, आई विल बी वर्क हार्ड, ऐसा कभी नहीं हो सकता. फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी नहीं हो सकता, चाहे किसी भी तरीके से. आई एम वर्क हार्ड नहीं हो सकता, आई एम सी यू नहीं हो सकता, आई कैन बी सी यू नहीं हो सकता, क्योंकि इज एम आर वॉज वर और बी कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ हो ही नहीं सकता. उनकी जगह सिर्फ यही है, आई एम हेल्पफुल, यानी कि जब वर्ब नहीं है. अगर वर्ब है तो आई एम हेल्पिंग यू आई एन जी के साथ. और तीसरा और सबसे बड़ा यूज पैसिव वॉइस, यानी कि थर्ड फॉर्म. इसके अलावा सिर्फ थर्ड फॉर्म के साथ हो सकता है. यानी एक तो वर्ब है ही नहीं, वर्ब है तो आई एन जी है, या फिर वर्ब है तो थर्ड फॉर्म है, तब यूज होता है पैसिव वॉइस का. मतलब ये काम किसी के द्वारा हुआ है. जैसे मैम आपने अभी क्वेश्चन पूछा, द पेशेंट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज. बी के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब हमारे द्वारा. अगर मैं इसमें से बी हटा दूं और फर्स्ट फॉर्म लगा दूं तो ये एक्टिव बन जाएगा. एक्टिव का मतलब ही इज गोइंग टू डिस्चार्ज, मतलब कि हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कभी पेशेंट नहीं हो सकता, डॉक्टर इज गोइंग टू डिस्चार्ज द पेशेंट. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, द पेशेंट इज गोइंग टू बी डिस्चार्ज किसी के द्वारा, टू बी डिस्चार्ज बाय द डॉक्टर, जो हम लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कंप्लीट सेंटेंस ये बनना चाहता है, क्योंकि हमें ओईटी में दिया नहीं होता कौन डिस्चार्ज कर रहा है, तो हम ये पंगा नहीं लेते. लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ अ पैसिव वॉइस, वेयर बी प्लस थर्ड फॉर्म हैज बीन यूज्ड इज ऑलवेज अ पैसिव वॉइस. पेशेंट, द पेशेंट नीड्स टू एग्जामिन, तो मतलब क्या पेशेंट एग्जामिन करेगा किसी को? ऐसे थोड़ी होता है. द पेशेंट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड, हाँ ये बात समझ आती है. पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा एग्जामिन किया जाना चाहिए, बाय द डॉक्टर. तो अब बना नहीं है पैसिव वॉइस. डॉक्टर सीज द पेशेंट, देखता है, तो मतलब पैसिव वॉइस, पेशेंट इज सीन बाय द डॉक्टर. यानी कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब भी, इज एम आर क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म, यानी बी के साथ थर्ड फॉर्म. यानी कि ये भी पैसिव वर्ड है कि पेशेंट इज सीन बाय द डॉक्टर, यानी डॉक्टर के द्वारा देखा जाता है. तभी ओईटी में, अब बिल्कुल ओईटी पे आ जाता हूं, अब आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर देता हूं. तभी ओईटी में जब हम पास्ट यूज करते हैं, जब मैं आपको कहता हूँ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या पास्ट की कोई भी विजिट लिखते हो, फर्स्ट विजिट सेकेंड विजिट, तो यही बताया जाता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या तो आएगा सेकेंड फॉर्म, द पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी, क्योंकि ये पेशेंट ने खुद करवाई, इसलिए सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, ये हमने अभी बात की, पास्ट इंडेफिनिट. या फिर वो काम डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, तो उसका पैसिव वॉइस. देखो सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस, सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस हुआ बी प्लस थर्ड फॉर्म. तो मेरे को तो बी की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी ना सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस बनाने. तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर, तभी तो सेकंड फॉर्म में वॉज वर यूज होता है. यानी कि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में या तो पेशेंट डायरेक्टली अपने आप काम करता है, यानी कि एक्टिव, या फिर हमारे द्वारा काम किया जाता है, यानी कि फिजियो वॉज गिवन. जैसे हम अभी कह रहे थे पेशेंट पाया गया हमारे द्वारा, द पेशेंट वॉज फाउंड विद, द पेशेंट वॉज असेस्ड विद, ये सब कुछ काम हमारे द्वारा हो रहा है. ये कैसे पता लग रहा है हमारे द्वारा? बी प्लस थर्ड फॉर्म से. सर बी तो है नहीं. अरे ये बी की तो सेकेंड फॉर्म है,
सेकंड फॉर्म तो इसलिए बता रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, लेकिन है पैसिव वॉइस, ये काम किसी के द्वारा ही हो रहा है, ये पक्का पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा हो रहा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हमें वॉज लगाना पड़ता है, इसीलिए जब कहते हैं पैरासिटामोल वॉज कमेंस्ड, शुरू कर दी गई हमारे द्वारा, ये सब कुछ काम हॉस्पिटल के द्वारा हो रहा है। अगर हम इसको सिंपल लिखते तो हम कहते डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म पैरासिटामोल, जब हम इसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं पैरासिटामोल वॉज प्रिस्क्राइब, तब डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे तो अगर पूरा करना है तो लिख सकते हैं बाय द डॉक्टर, पर वहां पे दिया नहीं होता तो हम लिखते नहीं, लेकिन वॉज प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये काम किसी के द्वारा हो रहा है, यानी कि जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो अब आगे आके सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए पैसिव वॉइस यानी सेंटेंस घूम गया है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की पैरासिटामोल, पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब की गई डॉक्टर के द्वारा, अब ये सेंटेंस ऐसा बन गया है, लेकिन उल्टा नहीं बना सकते। अब कहो डॉक्टर वॉज सीन, तो मतलब डॉक्टर को देखा गया, डॉक्टर को कौन देखेगा यार, डॉक्टर सो द पेशेंट, सो द पेशेंट वॉज सीन, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ता है ताकि वो पैसिव वॉइस बने। इज इट ओके यस सर, हाँ जी सर, पेशेंट वाज एडमिटेड, मतलब मैम? उसको हमारे द्वारा एडमिट उसको किया गया, इसमें क्या बात है? अपने आप अगर आप कहोगे द पेशेंट एडमिटेड, तो मतलब अगर आप ऐसे एक्टिव बना दो द पेशेंट एडमिटेड द डॉक्टर, तो आपको पता ही है क्या मतलब है इसका, कि मतलब पेशेंट अब की भाई डॉक्टर्स बेचारे अब बेड पे लेटेंगे और पेशेंट खड़े होकर इलाज करेंगे। पेशेंट हैज एडमिटेड, मैम हैज का मतलब तो प्रेजेंट में हो गया, लेकिन ये पैसिव हाँ थोड़ी जी बना, तो बस तो आज एडमिट कर रहा है, ये पैसिव तो तब बनेगा ना, द पेशेंट हैज बीन एडमिटेड बाय द डॉक्टर, जब बी के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी तभी तो पैसिव बनेगा ना, तो बी तो लगाना ही पड़ेगा ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आप हाँ जी इसको गायब कर देते हो तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, पेशेंट ने डॉक्टर को एडमिट किया, तो ये बाय तो आ नहीं सकता, तो पेशेंट ने डॉक्टर को एडमिट आज किया है। हैज का मतलब तो सिर्फ एक ही हैज कहाँ से आया, हैज बस ये बता रहे हैं मैम फर्स्ट फॉर्म, अगेन फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट, तो आप ये टुडे की बात कर रहे हो, और अगर आप इसको हटा देते हो तो प्रेजेंट हट गया तो ये पास्ट बन गया, लेकिन ये रहा तो एक्टिव ही, पैसिव ये तभी बनेगा जब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी या हैज बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, मतलब बी प्लस थर्ड फॉर्म लगने के बाद ही वो पैसिव बनता है, नहीं तो वो एक्टिव ही है, आपके हैज लगाने या हटाने से वो एक्टिव पैसिव नहीं चेंज हुआ, वो टेंस चेंज हुआ। वो टेंस कैसे चेंज हुआ, आपने कहा था पेशेंट एडमिटेड, तो पेशेंट ने एडमिट किया पास्ट में, पेशेंट हैज एडमिटेड मतलब आज किया है, बस है लग गया, इतना सा फर्क हुआ, लेकिन ये पैसिव नहीं बना, पैसिव तभी बनेगा, ये सेंटेंस राइट तभी होगा जब बीन लगेगा या फिर वॉज लगेगा, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म, पूरा रूल पूरा होगा बी प्लस थर्ड फॉर्म का ये वाला, तभी जब हम इसको प्रेजेंट में करते हैं इन सभी को, जैसे अब इसको टुडे की विजिट में लिखना है तो पैरासिटामोल बस इतना सो जाता है, पैरासिटामोल हैज बीन कमेंस, इसी चीज को अगर इसको प्रेजेंट में लिखना है वॉज को, बस वॉज का हैज बीन बनाना होता है, ये प्रेजेंट बन जाता है, और पैसिव का पैसिव ही रहता है क्योंकि ये बी प्लस थर्ड फॉर्म के रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि फिजियो वॉज गिवन अगर टुडे में लिखना हो तो फिजियो हैज बीन गिवन, पेशेंट वॉज फाउंड अगर टुडे में लिखना हो तो हैज बीन फाउंड, और अगर वॉज असेस्ड है तो प्रेजेंट में लिखना है, टुडे विजिट में लिखना है तो वॉज की जगह हैज बीन, बस वॉज को हैज बीन कर रहा हूं मैं, ये भी टुडे में लिखना है तो हैज बीन, जो पैसिव है वो पैसिव रहेगा, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया ये एक्टिव है, हमेशा एक्टिव रहेगा, तो सिर्फ हैज लगेगा बीन नहीं लगेगा, तो एक्टिव हमेशा एक्टिव रहेगा और पैसिव हमेशा पैसिव। मैम अगर मैं पेशेंट को एडमिट डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, चाहे वो पास्ट में किया जाए, चाहे प्रेजेंट में किया जाए, चाहे फ्यूचर में किया जाए, टेंस कोई भी हो, रहेगा तो हमेशा पैसिव ही ना, पेशेंट को हमेशा डॉक्टर के द्वारा ही एडमिट किया जाएगा ना, पेशेंट तो नहीं एडमिट करने लग जाएगा टेंस होने से, ऐसे थोड़ी है, पास्ट में पेशेंट ने एडमिट किया, प्रेजेंट में डॉक्टर एडमिट करता है और फ्यूचर में फिर पेशेंट एडमिट करेगा, पेशेंट तो हमेशा एडमिट होगा डॉक्टर के द्वारा, पास्ट में होगा तो पेशेंट डॉक्टर के द्वारा एडमिट किया गया था, प्रेजेंट में है तो पेशेंट डॉक्टर के द्वारा एडमिट किया गया है, फ्यूचर में होगा तो पेशेंट डॉक्टर के द्वारा एडमिट किया जाएगा, पेशेंट जब भी आगे रहेगा वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा और एडमिट के साथ हमेशा पैसिव में आएगा, यानी कि प्रेजेंट में हैज बीन, पास्ट में वॉज एडमिटेड, हमेशा ऐसे ही रहेगा, और फ्यूचर में पेशेंट विल बी एडमिटेड, बी के साथ थर्ड फॉर्म, बी के साथ थर्ड फॉर्म कभी खत्म नहीं होगी पैसिव वॉइस में। सो दिस इज कंप्लीशन ऑफ अवर ग्रामर, अब आपके क्वेश्चन, सिर्फ ग्रामर इज ऑल कंप्लीटेड।